हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो जीके की क्लास ये हमारा पार्ट टू है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ये आगे के क्वेश्चन हम पूरे करते हैं। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SSC और SSC CGL CHSL और ऑल एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका ये पहला क्वेश्चन है, पौराणिक विद्या का अभिप्राय क्या है? पौराणिक विद्या का अभिप्राय क्या है? इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सिक्कों का अध्ययन, शिलालेख का अध्ययन, महाकाव्य का अध्ययन और भूगोल का अध्ययन। इसमें से आपको एक क्वेश्चन टिक करना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, शिलालेख का अध्ययन। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसमें से आपको चार ऑप्शन है, कांस्य युग की, नपाषाण युग की, या पुरापाषाण युग की, या लोह युग की। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें से आपका राइट आंसर है कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता हमारी कांस्य युग में हुई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति अध्ययन के साथ संबंध नहीं रखता है? इसमें से चार ऑप्शन है, चार्ल्स मेसन, एम व्हीलर और PH वत्स या कनिगम। इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन आपका सही है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। PH वत्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1942 में, या 1901 में, या 1922 में। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही है जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें से आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कौन सा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका कौन से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे गंगा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, या सिंध नदी के किनारे। इसमें से आपका राइट ऑप्शन को क्लिक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं, हड़प्पा सिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो और चौहद्रो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? इसमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी, या सिंधु नदी। इसमें से चार ऑप्शन है और राइट ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, उत्तर प्रदेश, या सिंधु, या राजस्थान, या गुजरात। इसमें से आपका राइट ऑप्शन कौन सा है क्लिक करके बताना है। कालीबंगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में विद्यमान है, ठीक है, कालीबंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर आठ, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से आपका पहला ऑप्शन है विशाल स्नानागार, धान्यागर, या स्तंभ हॉल, या दो मंजिला भवन। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो हम बता देते हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, धान्यागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन आपका कौन सा है, सिंधु घाटी की सभ्यता की शहर की गलियाँ थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियाँ कैसी थी, उस टाइम पर वहाँ के रोड कैसे हुआ करते थे, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौड़ी व सीधी थी, तंग व मेली थी, टेढ़ी मेली, और ये ऑप्शन नंबर डी आपका तंग व टेढ़ी, और ऑप्शन नंबर सी आपका है फिसलन वाली थी। इसमें से आपको कौन सी जो सिंधु घाटी की सभ्यता की गलियाँ थी, उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो हम बता देते हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए सही था, ए सही है इसका, चौड़ी व सीधी गलियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता की जो गलियाँ थी वो चौड़ी व सीधी थी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर देखते हैं, या अगर लास्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ये आपको ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या चौहद्रो। ये वाले ऑप्शन चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका कौन सा आंसर आपका सही है। और जाते जाते अगर एक और बात बोलते जाते हैं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो अपने भाई पर आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जल्दी आपकी मैथ की क्लास आने वाली है तो उसको भी देखना ना भूलिएगा। और इसकी जो पार्ट वन ही देखा है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।